का एक नए ब्लॉग में। आज हम आए हैं दी ग्रैंड पैलेस, दी रॉयल पैलेस ऑफ थाईलैंड। अभी दिखाते हैं आपको, अभी दिखाते हैं बैक साइड का इसका कैसा है। रॉयल पैलेस बना है 1782 में और ये कंप्लीट हुआ है 1785 में, या 3 साल बनने में लगे हैं इसको। और ये देखिए हमारे पीछे काफ़ी बच्चे आ रहे हैं देखो। और मैंने टिकट का पता किया है, यहाँ की टिकट है 500 baht फॉर फॉरनर और लोकल सिटीजन के लिए। ये बच्चे आए हैं भाई, वो दिखाएंगे द रॉयल पैलेस ऑफ थाईलैंड। यह बहुत अमेजिंग प्लेस लग रहा है यार, बाहर से बहुत टूरिस्ट आ रहे हैं। मोस्ट अट्रैक्शन है ये थाईलैंड का। चलो आपको दिखाते हैं ब्लॉग में ग्रैंड प्लेस ऑफ थाईलैंड। ये भीड़ देखिए भी लोगों, इतना क्रेज है ग्रैंड प्लेस देखने के लिए लोगों में। बहुत ज़्यादा पब्लिक आती है हर दिन में यहाँ पे। और इसके बारे में इसकी टाइमिंग बताता हूँ, इसकी टाइमिंग है हर दिन सुबह 8:30 से लेके और 3:30 या 3 बजे तक रहता है इसका ओपनिंग का। तो टाइमिंग देख के ज़रूर आइएगा यहाँ पर। और शॉर्ट्स वगैरह के लिए देखिए पूरे फुल कपड़े होने चाहिए, शॉर्ट्स वगैरह नहीं चलेगा यहाँ पे। और फनकी स्टाइल वगैरह या जींस स्टाइल वगैरह फनकी वो नहीं चलेगा, नॉर्मल कैजुअल कपड़े वगैरह होने चाहिए वरना एंट्री यहाँ पे नहीं मिलेगी। देखिएगा ऐसा करके, अभी लेके चलते आपको आगे। हमारे पीछे देखिए लोगों की भीड़ लगी हुई है, बहुत लोग देखने के लिए आ रहे हैं यहाँ पर हमारी तरह ही। बिल्कुल टूरिस्ट प्लेस है यार ये तो, बिल्कुल वर्ल्ड। अभी चलते हैं, टिकट वगैरह लेते हैं, देखते हैं क्या है कैसा इंटरव्यू है। ये यहाँ पे एंट्री गेट है, देखते हैं टिकट का क्या होगा। अभी देखेंगे, ये सब लोग टिकट के लिए खड़े हैं। लंबी लाइन देखो कितनी टिकट की है, ये देखो टिकट के लिए लोग। बहुत ज़्यादा उमस है यहाँ पे, बारिश का इंतजार है सभी को। ये टाइमिंग लिखा हुआ है, टिकट टाइम है 8:30 से लेके 3:30 तक और विजिटिंग साइड टाइम भी यही है। और फॉरनर के लिए लिखा है, ये टिकट ले लिए भाई, 500 baht की टिकट है, देखिए 500 baht चेंज दे दिए, ऐसी करके टिकट आएगी। थैंक यू। अभी जा रहे हैं भाई आगे एंट्री के लिए। चलो आगे चलते हैं, इसमें लिखा मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे और संडे को ये ऑफ रहता है। ओके लेट्स गो। ये है भाई चेक पॉइंट, हो गया यहाँ पे, यहाँ पे चेक करके अंदर डालेंगे।
ये गाइड अभी बता रहे हैं डिटेलिंग में। वो बहुत कड़क है भाई। येलो कलर है पूरा। थाई लोग अब बुद्धा के अंदर है ना, येलो कलर बहुत ज्यादा पसंद करते हैं लोग। आर्किटेक्चर है भाई बिल्डिंग का। देखिए पीछे ये गाइड है, चाइनीज गाइड है, चाइनीज लैंग्वेज में सिखा रखा है। ये देखिए हमारे पीछे गाइड है। जेंगे गोल्डन गोल्डन ब्यूटीफुल है। इसका आर्किटेक्चर तो भाई खतरनाक है भाई। और ये देखिए आर्किटेक्चर इंडिया में, इंडिया से काफी सिमिलर लगता है भाई। इसके अंदर चलते हैं, इसके अंदर देख। गजब है भाई सबका आर्किटेक्चर एक नंबर।
ये पूरा टूर था आज ग्रैंड पैलेस का, और जो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन है यहाँ की बैंकॉक की। और यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया 500 बाट टिकट है फॉरनर के लिए, और अगर आप यहाँ के थाई हो, सिटीजन हो, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और अब तो वेदर भी बहुत अच्छा हो गया, क्लाउडी वेदर है। जो बुद्धा के बारे में बताया गया है में काफ़ी चीज़ लिखी गई थी, लेकिन उधर फोटो वगैरह लेना, वीडियो का क्लिप करना के लिए अलाउ नहीं था, इसलिए वो नहीं किया। बहुत अच्छा लगा यार आज का टूर, वर्थ है। 500 बाट में बहुत अच्छा टूर लगा। आप ये आइए, 500 बाट की टिकट है, और पहले बुकिंग करना और करना ये आप देख लीजिए, टूर को बुक करना। लेकिन यहाँ पर टिकट ईजीली मिल जाती है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईजी सी टिकट मिल जाती है, कोई कुछ भी दिक्कत नहीं है। इधर आइएगा, इंजॉय करिएगा, पूरा दिन आपका अच्छा रहेगा। और नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। गुड फॉर द फ्रेम जायंट एंड द टेंपल। जय हनुमान, जय श्री राम। गणेश, गणेशा, शिव, ब्रह्मा, हनुमान, पिक्चर हनुमान फाइटिंग इंटर लावान था रॉयल पैलेस का। और ये इसके हम खड़े हैं आगे, एग्जिट गेट है ये इसका, देखिए पब्लिक देखो, अभी बंद होने वाला है। ये 3:30 बजे जैसे ही मैंने बोला ऐसे बंद हो जाता है ऐसे करके।